देश में हर मुद्दे को लेकर नीति है, लेकिन अजीब बात है कि सरकार के पास रोजगार देने के लिए कोई नीति नहीं है। ये बात सोलन में देश की बात फाउंडेशन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कही। फाउंडेशन के केंद्रीय समन्वयक डॉक्टर मनोज गुप्ता का कहना है कि उनका संगठन देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद का पक्षधर है और इससे जुड़ते ही जो भी मुद्दे हैं संगठन उससे सीधा संबंध रखता है। ऐसे में देश में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश में हर समस्या और जरूरत को लेकर नीति बनाई जाती है, लेकिन रोजगार को लेकर सरकार ने अभी तक कोई कोशिश नहीं की है। हमेशा सरकारें जनसंख्या अधिक होने का हवाला देकर सभी को रोजगार देना संभव नहीं है ऐसा कहती रहती हैं। डॉक्टर मनोज गुप्ता ने कहा कि देश में हर किसी को रोजगार देना मुश्किल नहीं है, जिसके लिए संगठन ने अपनी रिसर्च पूरी कर ली है, जिसको जल्द ही सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संगठन 10M के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, जिसमें मिनी टेक्नोलॉजी, मिनिमम क्रेडिट सपोर्ट, मिनिमम मार्केट जैसे पॉइंट्स शामिल हैं। संगठन हिमाचल प्रदेश में अपना विस्तार करेगा, जिसके लिए 4 जिलों को मिलाकर 3 जोन बनाए जाएंगे। इन सभी मुद्दों को उठाने के लिए लोगों को एकजुट भी किया जाएगा। संगठन देश की बात जो आपने फाउंडेशन बताया, ये क्या काम कर रहा है और क्या प्लान है, क्या मुद्दे हैं आपके पास? मैं मनोज गुप्ता, डॉक्टर मनोज गुप्ता, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हूँ हिमाचल प्रदेश का। मैं दिल्ली में रहता हूँ। देश की बात फाउंडेशन सकारात्मक राष्ट्रवाद विचारधारा को लेकर काम कर रही है। राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। हर सूबे में आज देश की बात फाउंडेशन के लोग काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल देश की बात फाउंडेशन एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा लेकर हर राज्य में रोजगार संवाद का आयोजन कर रही है। हर राज्य के अलग अलग शहरों में, जैसे हिमाचल प्रदेश का शहर सोलन है जहाँ पे आज हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में देश की बात फाउंडेशन के सदस्यों के साथ साथ अलग अलग संगठनों और संस्थाओं के नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं और रोजगार को लेकर अपनी राय जाहिर करेंगे। बेरोजगारी की समस्या कैसे खत्म की जाए उस पर बात की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर उनके कोई सुझाव है उसे भी हम नोट डाउन करेंगे और इसके अलावा हम आने वाले दिनों में ये मेमोरेंडम की शक्ल में सरकार को सौंपेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार नीति के जरिए राष्ट्र में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको न केवल खत्म किया जा सकता है बल्कि भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला मुल्क बनाया जा सकता है। सबको रोजगार देकर हम सभी की हिस्सेदारी राष्ट्र निर्माण में शामिल कर सकते हैं। ये है हमारा मकसद और ये हम काम कर रहे हैं।